हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। सर, एसएफएम का पेपर खत्म हो गया है। एसएफएम का पेपर भी ले दे करके अगर मैं आपको ब्रॉडली बोलूं तो ओके ओके आ गया, मैनेजेबल आया। इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आया, पर आपको पता है ग्रुप वन में एक पेपर तो ऐसा है जो डिफिकल्ट जनरली आता ही आता है। और अब आपके दो पेपर बचे हैं, ऑडिट और लॉ। तो मेरी बात ध्यान से सुनो सर, एसएफएम जैसा गया जो गया, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक भी रिवीजन वीडियो, एक भी क्वेश्चन पेपर देखने की जरूरत नहीं है। किसी भी क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है। जो हो गया वो हो गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते। अपने आप को खुश भी मत करो बहुत ज्यादा, अपने आप को दुखी भी मत करो। अपने आप को ये बोल करके खुश मत करने की कोशिश करो कि अरे कहीं मेरे को 90+ तो नहीं आ रहा है। अपना जो भी बुक है उसको उठा करके साइड में रख दो, अब उस बुक की आपको जरूरत नहीं पढ़नी चाहिए। ऑडिट पे फोकस करना चाहिए पूरा आपका। ऑडिट के बारे में कुछ चीजें आपको बता दूं, आपका बिल्कुल समय नहीं लेने वाला हूं। ऑडिट एक ऐसा पेपर है जो मेरे लिए पर्सनली सबसे ज्यादा मेहनत लगी थी और सबसे कम नंबर आए थे मेरे पूरे सीए फाइनल में। और इस तरीके से कुछ कुछ सब्जेक्ट होते हैं, शायद आप भी मेरी तरीके से ऑडिट में वो कैटेगरी में आते हैं जहां पे मेहनत बहुत ज्यादा लगती है पर मार्क्स एक ओके ओके आता है। पर सर हम पास हो जाए वही बहुत है हमारे लिए। सुनो सर, ऑडिट का पेपर में क्या अलग होने वाला है, अब आप पहली बार अपने लाइफ में पहली बार 1.5 दिन पूरा थियरी, एकदम बैक टू बैक थियरी रटने वाले हो, और वो 1.5 दिन के बाद वापस 1.5 दिन पूरा लॉ का थियरी रटने वाले हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 1.5 दिन थियरी दिमाग में जाना भी चाहिए। उसके लिए आपका दिमाग बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होना चाहिए और बहुत ज्यादा इफिशियंट होना चाहिए। तो आप लोग बहुत वेल प्लान करो, आपने ऑलरेडी प्लान कर रखा होगा। अगर आपने नहीं प्लान करा है तो किसी फैकल्टी को जिसको आप फॉलो करते हो उनकी वीडियो देख लो और प्लान करके प्रॉपरली डिसाइड करो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी वीडियोस भी बनते हैं, पर आप ये ध्यान रखना कि इंस्टीट्यूट को नहीं पता क्या ए क्या सी है, तो ऐसा हो सकता है कि सी कैटेगरी से भी बहुत क्वेश्चंस आए। इन शॉर्ट, आप चैप्टर्स को एबीसी में मत डिवाइड करो, नंबर ऑफ आवर्स में डिवाइड करो। बट एब्सोल्युटली ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्रोफेशनल एथिक्स छोड़ के जा रहे हो और ऑडिट ऑफ बैंक या इंश्योरेंस करके जा रहे हो, क्योंकि इतना तो समझ आता है प्रोफेशनल एथिक्स का स्कोर बहुत ज्यादा आने वाला है। तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं, रिविजन वीडियो जो होते हैं वो अगर आप आज शाम को और कल लेट शाम को अगर थोड़ा बहुत देख रहे हो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप आगे बढ़ते जाओ, तो एकदम ठीक है सर रिवीजन वीडियो। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप अपने एफिशिएंट टाइम में, जैसे कि कल सुबह 6 बजे से लेकर के 12 बजे आप बहुत एफिशिएंट होगे, परसों सुबह 6 से 12 आप बहुत एफिशिएंट होगे, तो ये एफिशिएंट टाइम में बिल्कुल भी रिविजन वीडियो पे मत रिलाई करना। यूजुअली जितना आप खुद से पढ़ सकते हो उतना बेटर रहेगा, पर ऑफ कोर्स अगर खुद से पढ़ाई नहीं हो रही है, एक बार और ट्राई कर लिया नहीं हो रही है, तो समय वेस्ट करने से अच्छा है कि रिवीजन वीडियो के साथ साथ जितना हो सके पढ़ लो। पर सिर्फ रिवीजन वीडियो से एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव नहीं लिख पाओगे जब तक आप एक बार लैंग्वेज खुद से नहीं पढ़ोगे। सर लैंग्वेज खुद से नहीं पढ़ोगे मतलब क्या, आपको पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, आपको एकदम कीवर्ड पढ़ के कूद कूद के ऊपर जाना है, कुछ छूटना भी नहीं चाहिए और एट द सेम टाइम सारा भी नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। उसके बाद सर आप ये ध्यान रखना, कल का पूरा दिन थियरी पढ़ने वाले हो तो कल के रात के लिए कुछ ऐसा चैप्टर बचा के रखना जो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता हो या जिससे आपको प्यार हो, ताकि आपको नींद भी अगर आए या थोड़े थक भी गए हो तो आपका दिमाग का पेनिट्रेशन कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद सर मैंने आपको बोला कि हर एक घंटा जो अभी 7 बजे से आप निकालने वाले हो, हर एक घंटे में ध्यान रखना आप कम से कम उतना तो पढ़ रहे हो जिससे आपको एग्जाम में 4 नंबर मिलेंगे, क्योंकि आप समझो आपके आज शाम से लेकर के परसों के बीच में एफिशिएंटली आपके पास 24-25 आवर्स, अगर 25 आवर्स है और हर घंटे में अगर आपको 4 नंबर खत्म करना है, तभी जाके आप 100 मार्क का कवरेज, 100 मार्क का प्रिपरेशन करके जाओगे। तो हर घंटे को यूटिलाइज करना, ताकि ये ना हो कि कल शाम को तुमको रियलाइज हो अरे मैंने तो एसए में बहुत ज्यादा टाइम डाल दिया, अब तो दुनिया भर का कोर्स बचा है। तो इसीलिए आप अब तक एकदम अपना शेड्यूल जो है हमेशा ट्रैक करके चलो कि आज रात को अगर आप सोने जा रहे हो तो 5 घंटे के हिसाब से क्या 20 मार्क का टॉपिक आपका खत्म हुआ है, जो मेरे को पता है तुम प्रोफेशनल एथिक्स करके सो जाओगे। उसके बाद सर पेपर टफ आने के चांसेस है, जी हाँ मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको अवेयर कर रहा हूं। अगर मैं एज अ स्टूडेंट सोचू तो मैं आपको कसम से बता रहा हूं मेरे अटेम्प्ट में क्या हुआ था। एफआर का पेपर पूरा हमारे आईसीआई मॉड्यूल से आया था, तो मैंने बाहर आके बोला आईसीआई मजाक कर रहा क्या हमारे साथ, इतना इजी पेपर। एसएफएम का पेपर वापस आईसीआई मॉड्यूल से और प्रैक्टिस मैनुअल से और बहुत इजी क्वेश्चंस बनाए थे, तो मैंने बाहर आके यही चीज बोला कि आईसीआई मजाक कर रहा क्या हमारे साथ, इतना इजी पेपर। उसके बाद सर आईसीआई ने असल में ऑडिट में मजाक करना शुरू किया,
और फिर वो रुका नहीं सर आईटीटी तक, तो इसीलिए पेपर को आप ये मान के चलो टफ आएगा, पर टफ आएगा सोच के, अगर स्ट्रेस हो रहा है तो भूल जाओ तो फिर इजी आएगा सोचो, पर अगर टफ आएगा सोच के आपसे पढ़ाई हो रही है तो सर ये गलत नहीं होगा बोलना कि ऑडिट का पेपर थोड़ा अबव एवरेज आ सकता है, तो आपको उस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी दोस्त। अपने मटेरियल जो भी आपके पास है उस पर स्टिक करो। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर हम सिर्फ क्वेश्चन बैंक करके जाने का सोच रहे हैं, हमसे हो जाएगा क्या? मेरा आपसे एडवाइस है ऐसा मत करो। आप जितना मैक्सिमम कंटेंट कवर करोगे, SFM तक आप जितना क्वेश्चन कवर करते उतना खुश रहते, ऑडिट और लॉ में जितना आप कंटेंट कवर करोगे उतना ज्यादा खुश रहोगे, और जितना आपके मार्क क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बस सॉल्व कर लो, पर उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। पर सिर्फ क्वेश्चन बैंक में आपको पर्सनली सजेस्ट नहीं करूंगा, बट अगर आपने इसी के अराउंड अपना पूरा प्लान बनाया है तो इट इज नॉट अ गुड आइडिया टू चेंज द प्लान राइट नाउ। ऑलराइट गाइस, आई होप यू विल डू वेल। मेरे लिए नहीं प्लीज एक बार अपने लिए दिल से कमेंट करके जाओ दैट आई विल वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स इन लॉ ऑडिट। सर अपने को SFM एग्जेप्शन मांगा था, हमने SFM में ऑडिट में कुछ नहीं मांग रहे, हम बस बोल रहे हैं वी विल वर्क हार्ड, हम मेहनत करेंगे टू गेट गुड मार्क्स इन ऑडिट, बाकी भगवान के हाथ संभाल लेगा। तो कमेंट में जरूर लिखना दैट वी विल वर्क हार्ड टू गेट एग्जेप्शन और गुड मार्क्स इन ऑडिट। आई होप यू विल डू योर बेस्ट गाइज, ऑल दी बेस्ट कर लो, फिर उसके बाद लॉ के लिए मिलेंगे। लॉ का रिविजन होने वाला है परसों शाम को 7 बजे, वहां पे मैं आपका वहां से लॉ संभाल लूंगा, आप बस ऑडिट संभाल के आ जाना। Until this is CA Shubham Singhal signing off.